हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पी टी एग्ज़ाम 2022 15 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट यानी कि इवनिंग शिफ्ट का पेपर हो चुका है और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन आपको 100% रियल क्वेश्चन और 100% सही उत्तर के साथ पूरे एक से लेकर 100 प्रश्नों का एनालिसिस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। फुल पेपर आंसर की आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आज जिनका भी इवनिंग शिफ्ट में एग्जाम था, सभी साथी वीडियो में ध्यान से एंड तक बने रहिएगा। आपको अपनी शिफ्ट के सभी क्वेश्चनों के राइट आंसर इसी वीडियो के माध्यम से पता लग जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन इसमें आपको धुंधले दिखाई देंगे, परंतु मैं आपको उनको बोल के बता दूंगा, आगे पेपर पूरा आपको साफ मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया, प्रकाश वर्ष डैश का एक माप है, तो प्रकाश जो वर्ष है वो तारकीय दूरी का क्या है, मात्रक है, माप है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सभी अम्लों में समान तत्व है, तो सभी अम्लों में जो समान तत्व है उसका आपका आंसर रहना था हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया, नॉनस्टिक खाना पकाने के बर्तन डैश से लेपित होते हैं, तो ये टेफ्लोन से लेपित होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अनुच्छेद 245 के अनुसार डैश संसद का कार्य है, तो कानून बनाना इसके अनुसार क्या है, संसद का कार्य है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये आपके केंद्र और राज्य के बीच संबंध से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है, तो जो डॉल्फिन है वो सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है, तो प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से पौधों का विकास जो है वो प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताएं, तो आस्तिक आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, स्थावर का विलोम, तो जंगम जो है वो स्थावर का विलोम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ है, तो इसका अर्थ हो जाएगा भय का समन शुरू में ही कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सु प्लस अल्प। अगला क्वेश्चन पूछा गया, इति का सही अर्थ भेद क्या है, तो समाप्ति और विघन, ये क्या इसका सही अर्थ भेद हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, 18वां क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में आपको क्या बताना था, अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज वैलेंटाइन डे ऑफिशियली इज ए हॉलीडे, तो इसका राइट आंसर रहना था नो। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट टू डू स्कूल चिल्ड्रन गिफ्ट देयर टीचर्स, थैंक यू कार्ड। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। अगला इंग्लिश क्वेश्चन पूछा गया, वन वो इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, तो स्टोई इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ टेम, तो डोकाइल इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ रैपिड, तो टार्डी, ये क्या इसका करेक्ट एंटोनियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, दोनों कथनों को पढ़ें और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। चार आपको कथन दिए गए थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहना था, कथन सेकेंड कारण है और कथन फर्स्ट इसका क्या है, प्रभाव है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने अपने दोस्त बी से कहा, वह मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी है, ए फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो ये इसका क्या है, बेटा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि यदि किसी निश्चित भाषा में एक्टिव को इस प्रकार से लिखा जाता है तो इफेक्ट को कैसे कोडित किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर रहना था ऑप्शन नंबर डी, TGGFDE। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और डैश के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था, तो ये भारत और नेपाल के बीच इसे रवाना किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी है, तो ये नेपाल को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करें, तो असंगत के चयन में 301 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 1 जनवरी 2006 को रविवार था,
तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो ये आपके शुक्रवार था, फ्राइडे था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की है? तो ये योजना शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन मैथ्स का क्वेश्चन था, 4/9, 5/7, 11/3, 13/17 में से सबसे बड़ा कौन सा है? तो 11/13 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगला मैथ्स का क्वेश्चन पूछा गया था, 2.1 की होल क्यूब प्लस 5.8 की होल क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर रहना था वो रहना था अपने 7.9। ठीक है दोस्तों, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता देता हूँ, 7.9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी भौतिकी में उत्तीर्ण हुए और 80% अभ्यर्थी तर्कणा में उत्तीर्ण हुए, यदि इन दोनों के विषय में 55% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए? तो ये हुए आपके 5%। ठीक है दोस्तों, तो 5% इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 308, 125, 45, 120 और 102 का औसत आपसे पूछा गया था, तो इनका औसत हो जाएगा 140। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया, अंडर रूट में 9 - 4 अंडर रूट 5, इसका राइट आंसर रहना था अंडर रूट 5 - 2, डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है? तो ये कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक अकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की? तो ये की गई है यूके के साथ। अगला क्वेश्चन पूछा गया, डैश कंपनी ने IAF के हेलीकॉप्टरों के लिए ADS की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए गए हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? तो ये योजना बना रही है उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1,800 करोड़ रुपये की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो ये किया गया वाराणसी में। अगला क्वेश्चन पूछा गया, किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो ये नीति आयोग ने जारी की है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो जलोटी जो है वो पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो ये है आपके लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन पूछा गया, छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये ICICI बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो 5 राज्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, वास्को डिगामा का मकबरा दफन स्थान भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये आपके कोची केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि डैश उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है आपके कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष के पास होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो अहिंसा दिवस है वो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहना था ये सभी। अगला क्वेश्चन पूछा गया, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ये हिंदी के क्वेश्चन थे, आपसे पैसेज में पूछे गए थे। क्वेश्चन है, आजकल पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों जाते हैं? सर्वाधिक सबल तर्क कौन सा लगता है? तो इसका राइट आंसर रहना था ऑप्शन नंबर डी, माँ बाप का सपना पूरा करने, सुख चैन की जिंदगी बसर करने तथा समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन इसी पैराग्राफ से था, बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते और अपनी पुराने जमाने की चीज़ों को याद थोपना चाहते हैं, इसके लिए
कौन सही में दोषी है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, पुराने जीवन मूल्यों और परंपराओं के साथ विदेश में बच्चों के साथ बसने के लिए इच्छुक माँ बाप। अगला क्वेश्चन 50वां था, इसी पैसेज का आप ध्यान से रीड कर सकते हैं। इसका राइट आंसर रहना था ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के परिवार के सदस्यों के रहन सहन, खान पान, पहनावे और चाल चलन पर ऐतराज और कटाक्ष करते होंगे। ठीक है दोस्तों, अगला 51वां इसी का क्वेश्चन पूछा गया, ये भी हिंदी का ही है, विदेश में जा बसे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन दोषी है? अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक प्रबल तर्क को चुनिए। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, अधूरे संस्कार। ठीक है दोस्तों, अगला 52वां क्वेश्चन इसमें है कि विदेश में जा बसे बच्चों के माँ बाप अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा किसी से क्यों नहीं करते? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, बच्चों के प्रति उपजी नाराजगी के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया, माता पिता द्वारा प्यार दुलार एवं समस्त संसाधनों के दिए जाने के बावजूद आज की युवा पीढ़ी से वह आत्मीयता गायब है जो पुरानी पीढ़ी तक विद्यमान थी, इसका सबसे उचित कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ठीक है, जिसे आप ध्यान से रीड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ये हिंदी का क्वेश्चन है, आज के बुजुर्गों के लिए बदलते समय की कौन सी सर्वोचित मांग है जिससे वे चैन से अपना बुढ़ापा काट सके? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखें और अगली पीढ़ी के सदस्यों पर नए बोझ बने और अपनी राय थोपें। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी में से पूछा गया, कौन से माँ बाप अपने ही घर में दीनहीन से होकर बच्चों का मुंह नहीं ताकते? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कौन से बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देने की बात करते हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, जो बच्चे संस्कारहीन और अविवेकी हैं और जो अपने भविष्य को नहीं देख पाते। अगला क्वेश्चन इसी में पूछा गया, संतान के साथ रहने की इच्छा होते हुए भी कई माँ बाप अकेले रहने का कारण कौन सा है? सबसे सबल तर्क कौन सा है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया, ये मैथ्स के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं, किस जिले के लिए विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की औसत संख्या न्यूनतम है? तो इसका राइट आंसर था जिला ई के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया, समीक्षा दिन अवधि के दौरान जिला ई से चयनित उम्मीदवारों की संख्या इस अवधि के दौरान जिला ए से चयनित उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये हो जाएगा लगभग 88.54%। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जिला डी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला डी से उपस्थित होने वालों की तुलना में किस वर्ष में सबसे कम है? तो ये कम है 2013 में। ठीक है दोस्तों, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इसी में, वर्ष 2011 में किस जिले में उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत सबसे अधिक था? तो ये था जिला ए में। अगला क्वेश्चन पूछा गया, जिला सी से चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला सी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की तुलना में किस वर्ष में सबसे अधिक है? तो 2012 में अधिक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया, फरवरी में कंपनी पी एस और टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या अनुमानित कितनी है? ठीक है, तो ये 120 थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या से अनुपात कितना है? तो ये 59:80। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में जनवरी से अप्रैल तक लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो ये 64.71% की वृद्धि हुई। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कंपनी टी द्वारा मार्च अप्रैल और मई में बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में से 32% माइल्ड स्टील से बने थे। मार्च अप्रैल और मई में स्टोर टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादों की कुल संख्या कितनी थी? तो ये 144 थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया मैथ्स का, कंपनी क्यू द्वारा जनवरी और मई में मिलाकर बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीनों में कंपनी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना है? तो 85 इस क्वेश्चन का अंतर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना प्रतिशत खर्च किया जाता है? तो 12.78% इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया गया है? तो 86% इसका राइट आंसर था।
अगला क्वेश्चन पूछा गया, यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की गई कुल राशि इतनी हो तो आधारभूत संरचना पर खर्च की गई राशि छात्रावास पर खर्च की गई राशि से कितना अधिक होगी। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने प्रतिशत कम खर्च किया जाता है। तो 35% इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 2005 में दो कंपनियों ए और बी के आय क्रमशः 3:4 के अनुपात में थी, 2005 में उनके व्यय का क्रमशः अनुपात क्या था। तो 45:68 इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, वर्ष 2003 में कंपनी ए का व्यय 200 करोड़ था और 2003 में कंपनी ए की आय 2006 में इसके खर्च के समान थी, 2006 में कंपनी ए की आय क्या थी, तो 464 करोड़ थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया, यदि 2005 में दो कंपनियों के आय समान थी तो 2005 में कंपनी ए के व्यय का कंपनी बी के व्यय से अनुपात क्या था, 15:17 था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि यदि 2002 में कंपनी बी का व्यय 200 करोड़ था तो 2002 में आय क्या थी, तो 2002 में आय 260 करोड़ थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया, यदि 2001 में कंपनी ए और बी का व्यय समान था और 2001 में दोनों कंपनियों की कुल आय 342 करोड़ थी तो 2001 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ कितना था, तो कुल लाभ था 102 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशयन थे। तो ये थे समुद्रगुप्त के। अगला क्वेश्चन पूछा गया, जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम बताएं। तो ये थे आपके औरंगजेब। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है। तो ये रेलवे को माना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई। अगला क्वेश्चन पूछा गया, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश डैश में दिया था। तो ये दिया था धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 विद्रोह का परिणाम था। तो ये परिणाम था ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश का क्राउन में हस्तांतरित कर दिया। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था। तो ये कारण था नमक कानून तोड़ने के लिए डांडी मार्च। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया था। तो इसका गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अतः स्थलीय जल निकाय है। तो कैस्पियन सागर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था। तो ऑप्शन नंबर सी सी राजगोपालचारी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन पूछा गया, प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था, क्रूड जन्म दर के नाम से। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया, सांगोन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का डैश कहा जाता है। सी नंबर ऑप्शन प्रस्फोट यानी कि फटना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, GMT का पूर्ण रूप क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी ग्रीनविच मीन टाइम। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था। तो यह चुना गया था पंजाब। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन नंबर बी 14 बैंकों का। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद डैश उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। तो ये थे परमाणु ऊर्जा उत्पादन। अगला क्वेश्चन पूछा गया, डैश योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। तो ये थे श्री मोटेक सी अहलुवालिया। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं, तो इसका राइट आंसर रहना था ऑप्शन नंबर ए, ये सभी, बी सी और डी। ठीक है, तो ये सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए, तो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए अनुच्छेद 30, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता, डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। तो आज की इवनिंग शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों का, पूरे 100 क्वेश्चनों का एग्जाम एनालिसिस कर दिया। वीडियो को यहां तक देखा धन्यवाद, पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।